HCFO 147, 168, 210, 315 बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हम सर्वप्रथम इसके प्राइम फैक्टर कर देंगे। ऐसे जब बहुत सारे नंबर दे रखे होते हैं तो दोस्तों हम अपना प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना आसान समझते हैं, और केवल दो नंबर दे रखे हों तो वहाँ पे हम अपना इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम को उचित समझते हैं। तभी हम इनका विदाउट इक्लूड एल्गोरिथम निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, इनके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर करने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों, ध्यान से समझना। वैसे हमारे खूब सारे दोस्तों पहले वीडियो आ चुके हैं, उन्हें भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फैक्टर करने के लिए चाहिए दोस्तों हमें अपने प्राइम नंबर, यहाँ लिख रहा हूँ प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। 1 से लेके 20 तक के प्राइम नंबर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसमें 2 का भाग दें 168 में, किसी भाई को भाग देने में दिक्कत होती है ऐसे साइड में लिख के दे सकता है। कितनी बार, 8 बार चला गया, 16 आ गया, माइनस किया, 0 आ गया। 8 को यहाँ ले आया, कितने, 4 बार चला गया, 8 आ गया, माइनस किया, 0 आ गया। कितनी बार गया आपका, 84 टाइम गया। फिर देखिए इसमें हम 2 का भाग देते हैं, कितना, 4 और 2 टाइम चला गया। फिर इसमें 2 का भाग देते हैं तो 2 और 1 टाइम चला गया, ठीक है, समझ आ गया। उस अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है लेकिन 3 का जा रहा है, कितना, 7 बार। 7 में 7 का भाग जा रहा है दोस्तों आपका 1 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों आपको। अब इसमें देखिए 2 का भाग जा रहा है कितना, 1 बार, 0 बार और 5 बार। फिर 2 का भाग नहीं जा रहा है लेकिन 3 का भाग जा रहा है, कितना, 3 बार और 5 बार। अब इसमें 3 का नहीं जा रहा है लेकिन 5 का भाग जा रहा है, कितना, 7 बार। 7 में 7 का भाग जा रहा है दोस्तों आपका 1 बार। इसको ध्यान से देखें तो इसमें आपका 3 का भाग जा रहा है कितना, 1 बार, 0 बार और 5 बार। फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है कितना, 3 बार और 5 बार। फिर इसमें 5 का भाग जा रहा है कितना, 7 बार। 7 में 7 का भाग आपका 1 बार। ओके, इस भाई की बात कर लेते हैं, बेचारा कि इसको कैसे छोड़ा। इसमें 3 का भाग जा रहा है 4 3 12 और 9 3 27। फिर इसमें 7 का भाग जा रहा है कितना, 7 बार। 7 में 7 का भाग आपका 1 बार। देखिए 3 का 2 का नहीं गया, हम 3 के पास गए। फिर जो संख्या है उसमें 3 का नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है लेकिन 7 का जा रहा है। ऐसे सीक्वेंस से हमें आगे बढ़ना होता है। हमें किसकी बात करनी है, अपना HCF की बात करनी है। तो देखिए HCF का फुल फॉर्म आपको शायद पता होगा क्या होता है। फुल फॉर्म, ये इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी इसमें आपको केवल और केवल उन फैक्टर को लेना है जो सब में कॉमन है। सिंपल से शब्दों में हम ऐसे इसको समझ सकते हैं। बाकी इसका डेफिनेशन यदि आपको अच्छे से समझ आया हुआ है तो आपको दोस्तों सोचने की भी जरूरत नहीं है। HCF आपको ऐसा नंबर देता है जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी, इसको भी, इसको, यानी दिए गए नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता है। कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कब कर पाता है, जब उसके फैक्टर उसमें हो। यह कब संभव होगा, जब हम इन सब के कॉमन फैक्टर लें। तो देखिए कॉमन फैक्टर का क्या मतलब, ऐसा फैक्टर जो आपका सब में हो। तो 3, 3, 3, 3, उसके बाद देखो 7, 7, 7, 7। अब आपको कोई ऐसा फैक्टर दिखाई दे रहा है जो सब में है तो आप कहेंगे ना सर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, तो यही तो है। इनका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 21। यही आपका यहाँ पर दोस्तों HCF है। धन्यवाद।